हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए अप्रैल महीने का लगभग 75 से 80 क्वेश्चन वन लाइनर करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। दोस्तों, ये रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। आपके जो महीने भर के पूरे अप्रैल के करंट अफेयर्स, उसका रिवीजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात इसमें कि वन लाइनर है आपका, फटाफट 15 से 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन महीने भर का रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। तो फिर चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें फटाफट मैं आपका रिवाइज कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, फीफा द्वारा 4 अप्रैल को जारी विश्व रैंकिंग में किस देश को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, फीफा द्वारा अभी हाल ही में रैंकिंग जारी की गई थी, तो विश्व रैंकिंग में इंडिया को दोस्तों 101 स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को मिली 101 रैंकिंग। फीफा का दोस्तों अगर बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म क्या आता है दोस्तों, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। और फीफा में अगर बात करें कि नंबर वन पे कौन है दोस्तों, नंबर वन पे है दोस्तों रैंकिंग में बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम नंबर वन पर है। तो आपको याद रखना है फीफा के चेयरमैन कौन है, गियानू इन्फेंटिनो है, ठीक है, गियानी इन्फेंटिनो फीफा के चेयरमैन है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में कितने दिन में जम्मू कश्मीर के लेह में सिंधु नदी पर सबसे लंबे सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लेह में सिंधु नदी पर सबसे लंबा सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया, 40 दिनों में बनाया गया है, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है, मैंने कई बार बताया है, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा इसलिए कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जहां 5G नेटवर्क विश्व में सबसे पहले लॉन्च होगा। 5G नेटवर्क दोस्तों लॉन्च होगा अभी विश्व में, दक्षिण कोरिया है दोस्तों कंट्री जो 5G नेटवर्क विश्व में सबसे पहले लॉन्च करेगी, ठीक है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की दोस्तों अगर बात करें हम, तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, साउथ कोरिया की कैपिटल हो जाएगी सियोल, ठीक है, सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों, तो वोन है, ठीक है, वोन साउथ कोरिया की कैपिटल है, ठीक है, सॉरी करेंसी है। और साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, मून जे इन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है। तो साउथ कोरिया 5G नेटवर्क लॉन्च के विषय में सबसे पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं डेली PDF फाइल सेंड करता हूँ हर एग्जाम से रिलेटेड, इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो RBI ने दोस्तों हाल ही में रेपो रेट में कितनी कमी की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेपो रेट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों हाल ही में रेपो रेट में 0.25% की कमी कर दी है। और RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं, RBI का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने साल 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया है। तो दोस्तों, होम मिनिस्ट्री ने 2018 में दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया, कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छा घोषित किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, सेना द्वारा सिंधु नदी पर 40 दिन में बनाए गए 260 फुट लंबे लोहे के सस्पेंशन पुल का नाम क्या है इसका। दोस्तों, हमने देखा 40 दिन में बनाया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, इसका नाम है दोस्तों मैत्री ब्रिज। क्या नाम है, मैत्री ब्रिज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम्स के लिए। वह राज्य जिसकी कंधमाल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान, भौगोलिक संकेत यानी GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया दोस्तों, ये टैग दिया गया है ओडिशा को दिया गया है, ओडिशा की कंधमाल हल्दी को, ओडिशा के अंदर याद रखेंगे। ओडिशा की कैपिटल क्या है दोस्तों, तो ओडिशा की कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर है। और ओडिशा के वर्तमान में गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी हैं। और CM है, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, ठीक है। तो कंधमाल हल्दी GI टैग मिला, ओडिशा की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह टीम ICC टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में लगातार 3rd साल पहले स्थान पर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर वन पर अपना इंडिया है, भारत है, ठीक है। और ICC के वर्तमान चेयरमैन कौन है, इंडिया के ही शशांक मनोहर जी हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उन 3 देशों के नाम इस नाम से जाना जाता है जिनकी वित्तीय सहायता को हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने रोक दिया है। नॉर्दर्न ट्रायंगल, ठीक है, नॉर्दर्न ट्रायंगल।
अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसमें आम चुनाव के दौरान विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग करने वाला देश बना है। तो विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग करने वाला देश बना है एस्टोनिया। कौन सा देश बन गया दोस्तों? एस्टोनिया बन गया है विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन आम चुनाव में वोटिंग करने वाला देश। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। वह महिला अधिकारी जिन्हें हाल ही में स्लोवाकिया की पहली राष्ट्राध्यक्ष के रूप में चुना गया है, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष के रूप में चुना गया है जुजाना कैपुतोवा को। ठीक है, जुजाना कैपुतोवा। वह खिलाड़ी जिसने हाल ही में मियामी ओपन के फाइनल मुकाबले में जान इस्नर को हराकर खिताब जीता है, रॉजर फेडरर को हराया है। हाल ही मियामी ओपन के फाइनल मुकाबले में जान इस्नर को हराकर खिताब जीता है रॉजर फेडरर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह देश जिसने हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर जीत लिया दोस्तों इस साल। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने जीता सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल शिक्षक का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में मार्था फेलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है दोस्तों मनु गुलाटी, जिनको दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल शिक्षक में मार्था फेलर पुरस्कार से सम्मानित किया है इनको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाकिस्तान ने इन्हें हाल ही में अपना नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। तो पाकिस्तान ने नया फॉरेन सेक्रेटरी बनाया है सोहेल महमूद को। किसको? सोहेल महमूद को पाकिस्तान ने हाल ही में नया विदेश सचिव बनाया है। वह बैंक जिसमें हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों, जिसे हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। वह हवाई अड्डा जिसे स्काई ट्रैक्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है, चांगी एयरपोर्ट। ठीक है, वह हवाई अड्डा जिसे स्काई ट्रैक्स द्वारा विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे खिताब दिया गया है, तो चांगी एयरपोर्ट को दिया गया विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं, भारत की पैरा एथलीट दीपा मलिक को किस देश की सरकार द्वारा दी जाने वाली सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों एथलीट दीपा मलिक को सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना गया है। ठीक है, न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? वेलिंगटन है कैपिटल और करेंसी डॉलर है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है जैसिंडा आर्डेन, जैसिंडा आर्डेन। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह भारत और वह देश जिसके बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 11 अप्रैल को संपन्न हुआ है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह स्थान जहां आयोजित विश्व जल शिखर सम्मेलन में नमामि गंगे कार्यक्रम को पुरस्कार प्रदान किया गया है, कहां पे आयोजित हुआ है ये? लंदन में, जहां पे विश्व जल शिखर सम्मेलन में नमामि गंगे कार्यक्रम को पुरस्कार दिया गया है, लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, आगामी एग्जाम से पूछा आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय महिला सलामी बल्लेबाज जिसको विजडन लीडिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, स्मृति मंधाना को दिया गया है, भारतीय बैट्समैन है, महिला बैट्समैन, आपको याद रखना है ये। ठीक है, इनको विजडन लीडिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन अंसाजे को किस देश में गिरफ्तार किया गया है? विकिलीक्स के संस्थापक हैं जूलियन अंसाजे, इनको ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया है। इसराइल में हुए आम चुनाव में इस नेता की पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। तो इसराइल में हुए अभी आम चुनाव हुए थे, उसमें से लगातार बेंजामिन नेतन्याहू जो है प्रधानमंत्री फिर से बन जाएंगे, बेंजामिन नेतन्याहू। कैपिटल क्या है इसराइल की? यरूशलम है। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको दोस्तों यहाँ पे पता होना चाहिए, वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं टोटल? 25 हाई कोर्ट हैं। नया हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश का जनवरी में, जिसके अंदर इनका नया जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनाया गया, विक्रम नाथ को बनाया गया है। वह राज्य सरकार जिसने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुराइची तलवैर डॉक्टर MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर पुराइची तलवैर डॉक्टर MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया है। वह भारतीय ऑनलाइन गेमिंग जिसे पहली बार गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ है, ड्रीम इलेवन, इनके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। ड्रीम इलेवन का आपने ऐड कई बार देखे होंगे टीवी में। तो ये अगला क्वेश्चन, वह कॉलेज जिसे NIRF रैंकिंग 2019 में पहला स्थान हासिल हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों मिरांडा हाउस को। NIRF का फुल फॉर्म पता है ना आप सबको?
एन आई आर एफ का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। इस रैंकिंग में मिरांडा हाउस मिला है पहला स्थान। इन्हें हाल ही में आईमा अवार्ड 2019 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। संजीव बजाज को दिया गया है आईमा अवार्ड 2019 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं, वह देश ग्रैहम रेट को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया ग्रैहम रीड को, किसको ग्रैहम रीड बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, याद रखेंगे आप। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है, नीरज चोपड़ा, एथलीट नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा को चुना गया है। भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है। तो ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को, ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। हाल ही में वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया डेविड मलपास को। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, कई बार मैंने आपको बताया, जुलाई 1945 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, विक्रम किर्लोस्कर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले भारतीय सदस्य के रूप में पहली बार फीफा परिषद का सदस्य किसे चुना गया है, प्रफुल्ल पटेल को, मैंने फीफा के बारे में आपको बता दिया है, प्रफुल्ल पटेल को चुना गया है भारतीय सदस्य के रूप में, पहली बार फीफा परिषद का सदस्य चुना गया है। वाई फाइनेंसिंग कंपनीज के साथ विलय हेतु लक्ष्मी विलास बैंक को मंजूरी मिल गई है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। भारत ने 15 अप्रैल को ओडिशा तट से स्वदेश निर्मित किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, निर्भय का किया है, ठीक है, निर्भय। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि सगत भी के शिवा रेड्डी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है, तो ये है तेलुगु भाषा के कवि, इनको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। नाम क्या है, के शिवा रेड्डी को चुना गया है सरस्वती सम्मान के लिए। वह स्थान जहां विश्व का सबसे बड़े विमान ने हाल ही में सफल उड़ान भरी है, कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया में विश्व का सबसे बड़े विमान ने हाल ही में सफल उड़ान भरी, कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय महिला मुक्केबाज जिन्होंने हाल ही में 54 किलोग्राम श्रेणी में मुक्केबाजी विश्व कप 2019 में गोल्ड मेडल जीता है, मीना कुबानी ने जीता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हाल ही में 54 किलोग्राम में विश्व मुक्केबाजी में 2019 में गोल्ड मेडल जीता है। वह देश जहां विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, आयोजित किया गया UAE में, कहां पे, UAE में आयोजित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह देश जिसने हाल ही में विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन नौका का सफल परीक्षण किया है, चीन ने किया दोस्तों, जिसने हाल ही में विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन नौका का सफल परीक्षण, चाइना। भारत द्वारा विदेश मंत्रालय में स्थापित किया गया नया विभाग क्या है, इंडो पैसिफिक। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह देश जहां वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटर से एक हृदय बनाया है, तो इसराइल के साइंटिस्ट ने दोस्तों 3D प्रिंटर से एक नया हृदय बनाया है। किस भारतीय महिला एक दिवसीय क्रिकेट टीम की कप्तान को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, मिताली राज को। वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली है पहली महिला है मिताली राज। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा 100 सब प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है, मुकेश अंबानी जी को। तो किस देश के चांगी एयरपोर्ट पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे इंडोर वाटरफॉल को आम जनता के लिए खोल दिया गया है, सिंगापुर में है चांगी एयरपोर्ट, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल 131 फीट ऊंचा है सिंगापुर में। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कितने सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है, 95। हाल ही में किस देश ने फिर एक नए शक्तिशाली आयुधों से युक्त हथियार का परीक्षण किया, नॉर्थ कोरिया के कैपिटल क्या है, प्योंगयांग है कैपिटल यहाँ की, और यहाँ का जो तानाशाह है उसका नाम क्या है, किम जोंग उन। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों के कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में फिर से विश्व में पहला स्थान हासिल किया है, 65 किलोग्राम में, ठीक है, 65 किलोग्राम में, ठीक है, बजरंग पूनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में फिर से विश्व में पहला स्थान हासिल किया है। वह पूर्व सेना प्रमुख जिनको
हिंद महासागरीय देश सेशेल्स का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, जनरल दलवीर सिंह सुहाग, ठीक है, रिटायर्ड हैं, इससे पहले थे, तो याद रखेंगे इनको हिंद महासागरीय देश सेशेल्स का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बौद्धिक संपदा दिवस विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष बौद्धिक संपदा दिवस। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने ISSF शूटिंग विश्व कप के कितने मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? 10 मीटर में जीता है, ठीक है, मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने ISSF शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एशियन चैंपियनशिप के 52 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, अमित पंघाल ने। बौद्धिक संपदा दिवस 2019 का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था रीच फॉर गोल्ड IP एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, रीच फॉर गोल्ड IP एंड स्पोर्ट्स। अफ्रीका के किस देश में पायलट प्रोजेक्ट तौर पर दुनिया भर में मलेरिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया गया है? तो मलावी में दोस्तों ये जो है दुनिया भर में मलेरिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया गया है। उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग अपनी निजी ट्रेन से किस देश के प्रमुख से मिलने पहुंचे हैं? रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। तो उत्तर कोरिया का शीर्ष नेता जो है तानाशाह किम जोंग अपनी निजी ट्रेन से मिलने पहुंचे रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। वह देश जिसके पत्रकार सिरिल अल्मीदा को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो पुरस्कार जीता है? तो पाकिस्तान के हैं ये, ठीक है, सिरिल अल्मीदा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो पुरस्कार मिला है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 80 नंबर पर है, 80 नंबर पर वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान को भारत साथ से हराकर कौन सा पदक अपने नाम किया है? गोल्ड मेडल। इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान को हराया है, ठीक है, पहलवान बजरंग पुनिया ने। तो किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। किस देश में ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों के बाद 22 अप्रैल को आधी रात से देश में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी गई है? श्रीलंका में हुआ है, आप सबको पता है, यहाँ पे बुरका भी बैन कर दिया गया है, ठीक है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। नासा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार सौरमंडल के इस ग्रह को कोर सॉलिड है? बुध को, ठीक है, बुध ग्रह को। वह देश जिसने हाल ही में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2031 अपनाया है? तो UAE ने दोस्तों अपनाया हाल ही में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति। वह टीम जिसने हाल ही में संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है? सर्विसेज ने जीता दोस्तों संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल में दिया जाता है संतोष ट्रॉफी, ठीक है, फुटबॉल सर्विसेज ने जीता है। वह स्थान जहाँ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के 23वें संस्करण का आयोजन किया गया? दोहा, कतर, दोहा में, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने भारत को जेवलिन थ्रो में रजत पदक दिलाया? अन्नू रानी। भारत को ICP रिपोर्ट्स में यह स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को दोस्तों ICP रिपोर्ट्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 19वां। ICP का फुल फॉर्म पता होगा आपको? नहीं पता है, इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेडनेस, ठीक है, इसमें 28 कंट्री में भारत को 19वां स्थान मिला है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में गाइडेड मिसाइलों को ध्वस्त करने में माहिर किस INS युद्धपोत का जलावतरण किया है? INS इम्फाल का। विश्व भर में किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रैल महीने के लगभग 75 से 80 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर जरूर कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो का असला कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर कर दें जरूर। मिलते हैं वीडियो के साथ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।